subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हार्दिक पटेल को गुजरात में कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन से चर्चित हुए युवा नेता हार्दिक पटेल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हार्दिक पटेल की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। बता दें कि पटेल गुजरात में कुछ साल पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चेहरा बनकर उभरे थे और बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने महेंद्र सिंह परमान को आनंद चौधरी को सूरत और यासीन गंजन को देवभूमि द्वारका की जिला कांग्रेस कमेटियों का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हार्दिक पटेल की उम्र अभी सिर्फ 26 साल है। गुजरात में कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं पर उन्हें तरजीह दी गई है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में हार्दिक ने कहा कि सोनिया गांधी ने जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी है वह उसका पूरी ईमानदारी और जोश के साथ निर्वाह करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में उम्र कोई मायने नहीं रखती। हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात में लोगों ने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पर भरोसा दिखाया है। पंचायत चुनाव से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में भी यह देखने को मिला था। हाँ, उन्होंने कहा कि हमसे कुछ छोटी छोटी गलतियां हुई जिन्हें अब हम सुधारेंगे।